मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो हम लोग क्लास 11th के लिए आज से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन। सो आई होप आपने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप लोगों ने अच्छे से जान लिया होगा, जिसके अंदर हमने एक डाउट जो हमारा था कि हाइड्रोजन से रिलेटेड के हाइड्रोजन जो हमारा होता है कि इसको किसके अंदर हमें डालना चाहिए। कहने का मतलब ये कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो अभी तक फिक्स नहीं है, ठीक है। सो यही इसको आगे बढ़ाते हुए कि हाइड्रोजन, क्योंकि देखिए अगर उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है सो हमें उसको एक अलग ही चैप्टर के रूप में आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। कारण ये कि हाइड्रोजन अपने आप में एक अलग तरीके का आइटम है या बोले एलिमेंट है जो कि हमारे जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जिसका नाम है हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के बारे में हमें जानना क्या क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है। सो हाइड्रोजन द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लोब इज बीइंग विजुलाइज्ड एज अ मेजर फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए तीन बातें बहुत बड़ी बड़ी इस पूरी तीन लाइनों में आ चुकी है। पहली बात, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। देखिए कहाँ है की बात हो रही है, यूनिवर्स की मतलब अर्थ के बाहर भी, मतलब आपके पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो हाइड्रोजन पाया जाता है। पर अगर हम बात करें अर्थ की, क्योंकि ग्लोब की बात कर दी गई है तो सरफेस ऑफ ग्लोब यानी कि अर्थ की सरफेस पे थर्ड मोस्ट अबंडेंट ये मटेरियल या एलिमेंट है, ध्यान रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूचर की एनर्जी का सोर्स है, बिल्कुल है, हाइड्रोजन एनर्जी इस टॉपिक में है। आगे हम जानेंगे अच्छे से हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है, कितना साफ होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हमारे फ्यूचर जनरेशन में काम क्यों आए, क्योंकि आगे जाके तेल जो आज हम यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल के लिए, हम जो क्रूड ऑयल यूज़ कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाना है। अगर हम बात करें तो अगर हम फ्यूल की बात करें, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे सारे, तो हमें ऐसे फ्यूल पर डिपेंड होना पड़ेगा जो लंबा चले। सो उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ हमारे लिए कौन अदा करेगा, प्ले करेगा रोल, तो आपका हाइड्रोजन। सो पढ़ना शुरू करते हैं। सो हाइड्रोजन हैज अ सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग ऑल द एलिमेंट्स अराउंड अस इन नेचर। इन एटॉमिक फॉर्म इट कंसिस्ट ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम एटॉमिक फॉर्म की बात करें तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन अपने प्रोटॉन अपने साथ में लेकर चलता है, ठीक है। हाउएवर एलिमेंटल फॉर्म, देखिए यहाँ पर बात हुई है एटॉमिक फॉर्म में तो एक एटम, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, बट अगर हम बात करें कि एलिमेंटल फॉर्म में ये हमें H2 के फॉर्म में मिलता है, यानी कि दो हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं। तो जब ये दो हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हुए हों तब हम इसे क्या बोलेंगे, डायएटमिक, मतलब दो एटम एक साथ जुड़े हुए हैं तब हम इसे क्या बोलेंगे, डायएटमिक, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड डाईहाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के दो अगर आप बात करें एटम तो डाईहाइड्रोजन। इट फॉर्म्स मोर कंपाउंड देन एनी अदर एलिमेंट, है ना। डू यू नो दैट ग्लोबल कंसर्न रिलेटेड टू एनर्जी कैन बी ओवरकम टू ग्रेट एक्सटेंट बाय यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इन फैक्ट हाइड्रोजन इज द वन ग्रेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एज यू लर्न इन दिस यूनिट। तो सबसे बड़ी बात हमने अभी शुरुआत में बात करी कि हमको हाइड्रोजन के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत आने वाली है, एनर्जी की दिक्कत आएगी, तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन जैसा सॉल्यूशन है तो हम आराम से जो भी हमारी क्राइसिस आने वाली है एनर्जी की, हम इसको अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर ये है कि पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियडिक टेबल। तो हम जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे तब हमने अच्छे से जाना था कि हाइड्रोजन को क्यों, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन इज अ फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, हमको ये पता है। इट्स प्लेसमेंट इन पीरियोडिक टेबल हैज बीन सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्शन इन पास्ट। एज यू नो दैट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर अनरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो हमें पता है कि हमें हमारे जो लेटेस्ट हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हम एटम्स को या एलिमेंट्स को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, वन हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू द आउटर 1s1। तो याद है आपको अल्काली मेटल्स में हमने क्या ध्यान दिया था, NS1 जैसा ये प्रोड्यूस करता है,
विच बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल, मुझे पता है NS1 ने तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल, पर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये हेलोजन की तरह भी काम करता है। तो हेलोजन यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ आपका NS2NP5, यानी कि इसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए पी वाले में 6 में से एक की कमी है, तो 6 में से एक की कमी यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो जब ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत कम पड़ रही है तब ये कैसा रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, हेलोजन। तो 17 ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल में हेलोजन आते हैं, हमें ये पता है। इट इज़ अ शॉर्ट बाय वन इलेक्ट्रॉन टू कोरस्पॉन्डिंग नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन हीलियम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है हाइड्रोजन को, अगर एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट जैसे ही करा तो वो क्या बन जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन देयर फॉर हैज़ अ रिसेम्बल अल्काली मेटल विच लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अन यूनिपॉजिटिव आयन्स एज वेल एज हैलोजन विद गेन वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन, ठीक है। यूनी मतलब एक, तो एक डोनेट करके ये नेगेटिव आयन बना लेगा और एक अगर गेन कर लेगा तो ये पॉजिटिव आयन बना लेगा, लाइक अल्काली मेटल्स। हाइड्रोजन फॉर्म ऑक्साइड्स हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स, उसके साथ में क्या क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स हैलाइड्स और सल्फाइड्स भी बनते हैं। अनलाइक अल्काली मेटल्स इट इज़ अ वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप लोग जान चुके हैं अच्छे से, डज नॉट पजेस मेटेलिक कैरेक्टर अंडर अ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। हमें इतनी ही बात जाननी थी इस बात के अंदर कि इसकी पोजीशन फिक्स क्यों नहीं है, ठीक है। इतनी बात अच्छे से समझ में आई आपको। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जानेंगे आइसोटोप्स के बारे में। देखिए आइसोटोप्स हमें जानना है और अकरेंस जानना है। इसके अंदर जैसे एज पर द लेटेस्ट सिलेबस अगर हम बात करें तो हमें ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर जानना रह नहीं गई है, ठीक है। क्योंकि हमें पोजीशन का पता लग गया। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको सिंपल सा यही बताना है कि हाइड्रोजन कभी हेलोजन जैसा बिहेव करता है और कभी अल्काली मेटल जैसा बिहेव करता है। तो दोनों कंडीशन में एक बार वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और एक बार वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन की पोजीशन हमने आज तक फिक्स नहीं देखी। इसके बाद आपको आपको पढ़ना है डाईहाइड्रोजन, इसके अंदर आइसोटोप पढ़ने, साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन के यूजेस भी अच्छे से जानने हैं। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है तो हमें तो कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें इसके अंदर जानने वाली नहीं रहती हैं। फिर भी अगर हमें जितना एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस हम लोग जितना जानेंगे वो आपके लिए सफिशेंट होगा। सो तो अब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।